हेलो क्लास थ्री। तो जीके वर्ल्ड बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, जो कि वर्ल्ड फेमस इन्वेंशंस, दुनिया के प्रसिद्ध आविष्कार। इन्वेंशंस क्या होते हैं? तो इन्वेंशंस वो होते हैं जो कि हमारे जीवन को क्या करें, आसान बनाएं, हमें आराम पहुंचाएं। ठीक है, इन्वेंशंस में मशीन आ जाएंगी, जैसे कि तुम्हारा फ़ैन है, बिना हवा के तो रह नहीं सकते, तो हवा कौन देगा, पंखा देगा, तो इसका इन्वेंशन किसी ने किया होगा। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी है, व्हीकल्स हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं जो कि हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें मैच करना है। क्या मैच करना है? तो एक साइड में इन्वेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, जिन्होंने खोज की, आविष्कार किया, एक तरफ उनके नाम दिया है, और सेकेंड यानी राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है इन्वेंशंस। ठीक है, आविष्कार जो उन्होंने किया, हमें मैच कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, थॉमस एल्वा एडिशन आप देख रहे हैं, तो ये हैं थॉमस एल्वा एडिशन। इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? तो इन्होंने इन्वेंशन किया इलेक्ट्रिक बल्ब का, यानी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का इन्वेंशन इन्होंने किया। थॉमस एल्वा एडिशन को मैच करा देंगे इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब से। सेकेंड, द राइट ब्रदर्स ने कौन सा इन्वेंशन किया? तो द राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया एरोप्लेन, जिससे हम लोग उड़ के एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो राइट ब्रदर्स ने किसका इन्वेंशन किया? एरोप्लेन का। तो आप राइट ब्रदर्स को मैच कर देंगे एरोप्लेन से। थर्ड नंबर देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, इन्होंने किसका इन्वेंशन किया? तो इन्होंने इन्वेंशन किया इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। आप देख रहे हैं फिगर, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसको भी सामने सामने लिख दीजिएगा, मैच कर दीजिएगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं चार्ल्स बेबेज ने किसका इन्वेंशन किया, किस चीज़ का? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया। किसका इन्वेंशन किया? कंप्यूटर का, जो कि बहुत आज के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है, कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन किया चार्ल्स बेबेज ने। फिफ्थ नंबर, जेम्स वॉट ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? तो जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया स्टीम इंजन। क्या इन्वेंट किया? स्टीम इंजन, जैसे जो ट्रेन में लगा होता है स्टीम इंजन, तो इसका इन्वेंशन किसने किया भाई? इसका इन्वेंशन किया जेम्स वॉट ने। सिक्स नंबर, एलेक्जेंडर बेल, इनका नाम है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो एलेक्जेंडर बेल ने किसका इन्वेंशन किया? तो एलेक्जेंडर बेल ने इन्वेंट किया टेलीफोन का। टेलीफोन फिर बाद में और मॉडिफाई होते होते वो हो गया मोबाइल के रूप में। तो भाई बहुत ज़रूरी चीज़ इन्होंने इन्वेंट की, टेलीफोन, जिससे कि आज हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम लोग उसी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेलीफोन को ही आगे मॉडिफाई किया गया तो मोबाइल बन गया, तो हम लोग उसी से भाई पढ़ रहे हैं, आपके क्लासेस मोबाइल में ही हैं। तो एलेक्जेंडर बेल ने किसका इन्वेंशन किया है? टेलीफोन का इन्वेंशन किया है। सेवन्थ नंबर पर आते हैं गैलीलियो, इनका नाम है। तो गैलीलियो ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? तो गैलीलियो ने इन्वेंट किया है टेलीस्कोप का, जिससे कि हम हमारे पृथ्वी के यानी अर्थ के बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे सन को देख सकते हैं। सन को तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप से जब हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर दिखेगा। मून को और अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, और जो हमें नहीं दिखते हैं, जैसे जुपिटर है, मार्स है, वेनस है, ये सब नहीं दिखते हैं, तो ये सब हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो टेलीस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? गैलीलियो ने किया। एट्थ नंबर, विलियम एडिस ने क्या किया, किस चीज़ का इन्वेंशन किया? तो विलियम एडिस ने सबसे अच्छा इन्वेंशन किया है टूथब्रश का, ताकि हम अपने दांतों को साफ कर सकें। दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इन्वेंशन किया विलियम एडिस ने। नाइन्थ नंबर पे आते हैं लॉयड ग्रॉफ कोपमैन ने किसका इन्वेंशन किया? तो इन्होंने इन्वेंशन किया इलेक्ट्रिक स्टोव का। इलेक्ट्रिक से चलने वाला स्टोव है, इसका इन्वेंशन किया लॉयड ग्रॉफ कोपमैन ने। टेंथ नंबर पे आते हैं बार्थोलोमियो क्रिस्टोफोरी, इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? तो इन्होंने इन्वेंट किया पियानो का। ठीक है, पियानो का इन्वेंशन किया, जिससे कि म्यूज़िक व्यूज़िक लोग बजाते हैं। ठीक है, गाना सुनते हैं तो उसमें म्यूज़िक रहता है, तो कुछ पियानो से भी म्यूज़िक रहते हैं उसमें। तो बार्थोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? पियानो का। और अब आपको क्या करना है,
आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, एग्ज़ाम में या टेस्ट में आएगा तो आपको दोनों तरफ ही मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किसने किस चीज़ का इन्वेंशन किया है, तब आप आसानी से उसको मैच कर सकते हैं। तो आपका यही काम है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने बुक में फिलअप करिए और इसको लर्न भी करिए। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।